ये मिस्टर फाजिल सलम साहिबा के पुराने दोस्त है ना? हाँ बिल्कुल, ये लोग यूरोप में यूनिवर्सिटी में एक साथ पढ़ते थे ना। हाँ एक्सक्यूज मी, हेलो, जी बाबा, जी जी सब कुछ ठीक है। फाजिल आ गया, सब कुछ सक्सेसफुल चल रहा है। मेहमत क्या हो रहा है? प्लीज सरकंद यार, अब तुम यहां पर शुरू मत हो जाना। अच्छा आप बताएं कैसे हैं? बहुत मिस कर रही हूं आपको। आई लव यू। कहां है वो लोग? क्या मैं लेट हो गया हूं? इतने लेट आए हो कि जल्दी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी। सना मैडम ने आपको फायर करने का फैसला किया है और हम डिफेंड भी कैसे करते? देखो भाई ये झूठ और घुमा फिरा के बातें मैं नहीं कर सकता, ठीक है ना? तुम्हें आने में इतनी देर हो गई, जाहिर है उसको गुस्सा आएगा। अगर आप थोड़ा जल्दी कर लें तो शायद आपका किस्मत साथ दे। कैसे, क्या करूं? फाजिल को बिबैक रेस्टोरेंट बहुत पसंद है, वो लोग वहाँ पर थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने गए हैं। अब अगर आप थोड़ा जल्दी करें तो वहाँ पहुँच कर प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। क्या मतलब, मैं वहाँ जाके उनके पाँव पकड़ूं? हाँ व्हाई नॉट। शायद आपको लोगों की बेइज्जती करने में मजा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, डिजर्व करते हैं। बाय द वे बेइज्जती से आपका क्या मतलब है? आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? मैं समझ नहीं पाई। कुछ नहीं। ओके देन चलती हूँ फिर। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। यार तुम तो वाकई हद करते हो। याद है जब हम लोग वहां पे साथ होते थे तो हम क्या करते थे? सना मैडम औजान साहब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं पहुंचा तो आप वहां नहीं थी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फाजिल साहब ने मुझे यहाँ इनवाइट किया तो मैं मना नहीं कर पाई। वैसे भी हमें ये जगह बहुत पसंद है, है ना फाजिल? ये मीटिंग में थे ना? औजान, औजान मेरा नाम है। आप थोड़े लेट नहीं हो गए? डिनर तो खत्म। क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? नहीं, आप फाजिल के सामने सब कुछ कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप दोनों काफी फ्रैंक हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मसला है। हाँ ठीक है, समझ गई। जॉब के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं या कुछ और? आखिर किस किस्म का पर्सनल मामला हो सकता है आपका? आखिर आप मुझे और कितना बेइज्जत करना चाहते हैं? कहिए, वेट कर रहा हूं। अगर चाहें तो थप्पड़ भी मार सकती हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर, थोड़ा आराम से बात करें तो बेहतर होगा। और अगर ना करूं तो? फाजिल डियर, मैं बस अभी आती हूं, तुम जरा यहीं रुको। चलो ठीक है। फॉर गॉड से, जहां आपको होना चाहिए वहां आप होते नहीं हैं, और जहां आपको इनवाइट नहीं किया जाता वहां आप पहुंच जाते हैं। क्या आप मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हैं? आपके सामने कोई बच्चा नहीं है, इस बात का ख्याल रखें। छोड़ो मुझे। आपका मुझसे मसला क्या है? क्या करना चाहती हैं आप मैं नहीं जानता। बेहतर होगा आप मेरे साथ चूहे बिल्ली का खेल बंद करें। इस आदमी के साथ जो आप डील कर रही हैं, क्या वाकई वो कोई बिजनेस डील है या सिर्फ दिल बहलाने का कोई तरीका है बिजनेस के बहाने? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ ये आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। बेहतर यही होगा मैं आपके बारे में नेगेटिव ना सोचूं, समझी सना मैडम? मैं आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल मत दीजिए, मैं हूँ ही कौन।
फाजिल मुझे यहाँ अपनी वाइफ से मिलवाने लाया था। इनसे मिली है मेरी वाइफ? सॉरी ट्रैफिक बहुत थी, मैं लेट हो गई। औजान साहब, यू आर फायर्ड। बेटी इसमें और आटा ला के डाल दो, मैं यहाँ से तेल डाल देती हूँ। चलो डालो ना, आओ चलो चलो चलो, बस 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 बस, हाँ इतना काफी है। सही। अरे फातिमा आपा, इस सब की क्या जरूरत थी? आयशा को भी डिस्टर्ब कर दिया आपने। सना मैडम ये सब खाएंगी नहीं, सब कुछ जाया हो जाएगा। तुम हो ना तुम, तुमने अपना मुंह चला चला कर इंसान को तंग कर दिया है, खत्म कर दिया है। इतना क्यों बोलती हो तुम? तुम वहाँ किसी कोने में जाकर बैठ जाओ दुल्हन, और वहीं रहो। मेरे सामने आकर मेरे काम में दखल मत दो, मैं तुम्हारी तरह सुर्खी लगा के नहीं बैठ सकती। माजी कैसे गिर गया? मैं बता देता हूँ। देखो जरा सब कुछ गिरा दिया, हद हो गए भाई। हाय हाय क्या हरकतें लगा रखी हैं, एक ही दिन में दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाय चलो। अरे बेटा तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जमीन से उठा के इन चावलों का पुलाव बनाना है क्या? चलो उसको फेंको लड़की। हाँ हिकमत इसमत, चलो उठो। मॉम ज़ैनब। हाय ओजान, क्यों शोर कर रहे हो, क्या हुआ है? मेरी बात गौर से सुने मॉम। सब खत्म हो चुका, सब खत्म हो गया मॉम। ये क्या पहेलियां भुजवा रहे हो, क्या खत्म हो गया है? मैं इस औरत की बदतमीजियों को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता मॉम। हाय बेटा बेटा क्या हो रहा है, इतनी रात गए यहाँ पर? पुप्पू अपना सामान समेटे, ये घर हमारा नहीं रहा, मेहमान नवाजी खत्म। हाय अल्लाह मैं तो गिर जाऊंगी। ज़ैनब से भी कहिए सामान पैक कर ले, हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। भाई क्या हो रहा है? ज़ैनब मेरी जान, तुम्हारा भाई बस इतना ही कर सकता था, पैकिंग करो हम कल सुबह यहाँ से जा रहे हैं। क्या मतलब? इतनी परेशानी किस लिए, हम गांव चलते हैं, वहाँ तो ताज़ा सब्जी और दरिया का पानी है ना दुल्हन? बिल्कुल। वहाँ पे एक बड़ी यूनिवर्सिटी भी है, ज़ैनब भी वहीं दाखिल हो जाएगी। हिकमत और इस्मत रोज इसे छोड़ने भी चले जाएंगे और ले भी आएंगे, है ना, क्या ख्याल है? जरूरत पड़ी तो गांव भी जाएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये लड़का तो सीरियस है, ये तो सीरियस है, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगी, कैसे रहूंगी? मैं तो जाके आटे को देखूं। औजान साहब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हम अपना सामान पैक करके सुबह यहाँ से चले जाएंगे, आपको इससे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। वो मैं आई होप हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। अर्जुन औजान जा रहा है। और वो क्यों नहीं जाएगा, हमने सारी हदें पार कर दी हैं और उसका सब्र भी खत्म हो चुका है। ये जो फाजिल वाली हरकत थी ना, ये बहुत ज्यादा हो गई, अब हम क्या करेंगे, हम तो फंस गए। बोलो कुछ। एक मिनट रिलैक्स, मुझे सही से बताओ उसने क्या कहा? उसने सूटकेस पैक कर लिए, वो चला जाएगा। हाँ मुश्किल से जाएगा, मैं तो समझी थी वाकई ही कुछ हो गया है। इस बार मैं बता रही हूँ, इसने फैसला कर लिया है। आलिया साहिबा से भी बात कर ली है? औजान को मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैंने खुद सुना है कि वो कह रहा था कि गांव भी जाना पड़ा तो जाएगा। अरे वो ब्लफ कर रहा है। ब्लफ नहीं है, मुझे लगता है अर्जू ये सच है। नाजली मेरी बात गौर से सुनो, कहीं औजान को सब समझ ना आ गया हो, कहीं उसे पता ना चल गया हो कि तुम नाजली हो। क्या कह रही हो? तुम्हारी नाजली को इस्तांबुल लाकर हमने रिस्क लिया है, नाजली कभी यहाँ होती है कभी वहाँ। शायद उसे पता चल गया है कि तुम ही नाजली हो, मुझे लगता है ये गेम खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे? क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम जाकर अपनी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दो? अपने आप को मत थकाओ, मैं फैसला कर चुका हूँ। औजान जागो, जागो मेरे दोस्त जागो। मैं जाग चुका हूँ मेरे भाई, अच्छी तरह से जाग चुका हूँ मैं। अगर तुम जाग चुके हो मेरी आवाज सुन सकते हो, गौर से सुनो मेरी बात, तुम्हारे कान तक आवाज आ रही है? किसकी? आलिया मैडम की फरियाद की आवाज। कल के बाद बस वही आवाज आने वाली है। तुमने तो कश्तियां जलाने का फैसला कर लिया,
ठीक है मेरे भाई, हो सकता है तुम्हें कोई नई कश्ती मिल जाए। मेहमत, वैसे तुम यहाँ बहुत अच्छी दोस्ती निभा रहे हो। जिंदगी में इज्जत नाम की भी एक चीज होती है, लेकिन इज्जत कभी भी आपका पेट नहीं भरती। गांव में मैं एक टैक्सी में बैठा, टैक्सी वाले ने पूछा कहाँ जाना है। उससे कहते जहाँ तुम्हारा दिल चाह रहा है वहाँ ले चलो। सरकंद, तुम कितने बेवकूफ आदमी हो, कभी कोई बात नहीं बताने देते। यार इसको छोड़ो, मैं जानना चाहता हूँ कि आगे क्या हुआ था। जिस शख्स को ये मालूम ना हो कि तो कोई हवा उसकी मदद नहीं कर सकती है। ओके, कंटिन्यू। मेरे मरहूम बाबा ये कहा करते थे, शायद इस वक्त मैं हवाओं के अगेंस्ट चलना चाहता हूँ। मेरे बाबा ने सालों तक इस कश्ती को चलाने की कोशिश की, देखो फिर क्या हुआ, कहाँ है वो, किस हाल में, नहीं मालूम। यार देखो, मेरी बात सुनो, सच तो यह है कि मैं तुमको समझ नहीं पाता हूँ। ये बातें बहुत गहरी हैं, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आ पाती। ये इश्क, आशिकी, हवा, पानी, प्यार, मोहब्बत, ये सब मुझे कंफ्यूज कर देती हैं। इस वक्त जिस सिचुएशन में हम हैं, यहाँ सिर्फ दो सवाल पैदा होते हैं, पैसा या मोहब्बत। जवाब तुम्हारे पास है। बाबा, क्या औजान साहब की नाक जमीन पर अच्छी तरह रगड़ाई? कुछ ज्यादा ही रगड़ दी गई है। क्या मतलब है? वो अपनी माँ और बहन को लेकर जा रहा है कि गांव में भी रहना पड़ा तो रह लूंगा। तुम लोग गलत कहते हो, मेरे ख्याल में वो इतना संगीन भी नहीं है। अगर उसे समझ आ गया कि नाजली और सनम एक इंसान है, तो वो दोबारा धोखा देगा और उससे कहेगा मैं तुम्हारे साथ हूँ और अपने आप को नाजली के हवाले कर देगा। औजान और नाजली शादीशुदा है और वो कंपनी का मालिक बन सकता है। बाबा आप सुन रहे हैं? इंतजार करके देखने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता है? आपने सही कहा। हाँ, मुझे ये रोटी दे दो और वहां से ले लो। अपनी वाली दे देते ना मुझे। हाँ मैं दे रहा हूँ, मेरी रोटी को हाथ ना लगाएं। हद है भाई, उफ अल्लाह, हद है। चलो सब जल्दी करो, आखिर क्या हो रहा है ये? सबके सूट केसेस रेडी क्यों नहीं है? अरे दो निवाले तो मुझे चैन से खाने दो औजान, सुबह सुबह फिर शुरू हो गए हो तुम। भाई वैसे भी हम कहाँ जाएंगे? फर्क नहीं पड़ता जनाब, कहीं भी चले जाएंगे, बस यहाँ से चलो। मैंने तो भाई कहा था सब गांव चलते हैं। मैं किसी गांव वाँव नहीं जाऊंगी, ये मेरा घर है, यहाँ से नहीं निकलूंगी मैं। मॉम मैं आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ, ये घर हमारा नहीं रहा, समझने की कोशिश करें प्लीज। मेरी वापसी तक सब तैयार होने चाहिए, दोबारा नहीं दोहराऊंगा ये बात। पुप्पो जान मुझे माफ कीजिएगा प्लीज, मुझे नहीं पता आपको वापस गांव जाना चाहिए या नहीं, मगर मेरी मजबूरी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ आप सबका ख्याल रखने की, मगर जब तक कुछ नहीं होता आपको खुद ख्याल रखना होगा। भाई 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 भाई, मेरी बात सुनिए, आप मुझे कुछ बताएंगे भी? मैं कोई 3 साल की बच्ची थोड़ी हूँ। ज़ैनब, इन बातों से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाँ कम से कम मुझसे आप शेयर कर सकते हैं, मुझे बताइए तो, परेशानियाँ सुनकर आपका बोझ तो हल्का कर सकती हैं। देखो ज़ैनब, हालात बहुत खराब है, बाबा ना सिर्फ बैंकरप्ट हुए बल्कि हम सबको छोड़कर भी जा चुके हैं। वो हमें ये बात समझनी होगी, सारी जिंदगी ये सोचकर नहीं गुजार सकते जैसे कुछ ना हुआ। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करें? अब हम जीरो से कैसे शुरू कर सकते हैं? मॉम का क्या होगा, वो क्या करेंगी? मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? तुम सिर्फ वो करो जो मैं कहता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूँ? कहिए। नूरजहां का एड्रेस मालूम करके दो। भाई अब ये नूरजहां कौन है? ये समझो कि पप्पो की आयशा गुल है नूरजहां, और उनके पास मेरी एक बहुत ही ज्यादा कीमती चीज है। अब अगर इतनी कीमती चीज है तो इसके बारे में मुझे क्यों नहीं मालूम? एक दिन तुम जरूर जान जाओगी, लेकिन अभी जो मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम्हें वो करना होगा, ठीक है? ठीक है। अब हम स्टेप बैक नहीं करेंगे नाजली। क्या आरजू तुम्हें वाकई लगता है कि ये सारी की सारी औजान की परेशानियाँ, ये सब कुछ सिर्फ एक ड्रामा है? मुझे यकीन है वो ब्लफ कर रहा है। चलो तुम ये बातें जाने दो, मुझे ये बताओ कि औजान की तुम इतनी बड़ी दुश्मन क्यों हो? क्या तुम दुश्मन नहीं हो? नहीं, औजान की क्या, मैं किसी की भी दुश्मन नहीं हो सकती। मुझे बताओ मैं क्यों ना दुश्मन हूँ? हाँ मुझे कोई एक वजह बता दो तुम प्लीज। क्यों होगी तुम दुश्मन? तुम जब मुझे मिली तो तुम उस वक्त लॉकअप में थी, तुमने औजान को मारने की कोशिश की थी, तुम्हारा दिल इतना टूट चुका था कि तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने से भी फर्क नहीं पड़ रहा था।
नहीं भूली हूँ मैं, लेकिन दुश्मनी का नाम देकर मैं इस पर अपना गुस्सा नहीं उतार सकती। क्या अगर वो किसी तकलीफ में होगा तो मुझे अजीब नहीं लगेगा क्या? ये दिल है मेरा, मैं इस पर काबू नहीं रख सकती। जिस दिल पर तुम जोर नहीं चलाती हो, दरअसल तुम उसी की आग में जल रही हो। जानती हूँ मैं, क्या करूं, मेरा दिल उसको कभी भी तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। क्या कर सकते हैं आखिर, मोहब्बत चीज ही ऐसी है। यार तुमने क्या किया? हमें फाजिल साहब वाली प्रोजेक्ट के ऊपर कुछ प्लानिंग करनी होगी। हमें डिलीवरी का टाइम भी उन लोगों ने बहुत ही कम दिया है। और हाँ, एक और बात, मैंने प्राइस लो करके कुछ डिफरेंट मटेरियल सप्लायर से बात की है, शायद मामला हल हो जाएगा। इससे हम लोगों को ज्यादा प्रॉफिट भी होगा, क्या ख्याल है? यार तुम क्या कर रहे हो? पैकिंग कर रहा हूँ। ओजान यार, तुम रात को सीरियस नहीं लगे थे। जाहिर है सबको यही लगता है, और मुझे भी। ओजान सिर्फ बातें करता है, वादा करता है, मगर पूरा नहीं करता उसे, ऐसा ही है ना? लेकिन मेरे भाई, अब ऐसा नहीं होगा। यार तुम जैनब और अपनी अम्मी के साथ कहाँ जाओगे? देखो मेरे भाई, तुम लोग मेरे घर पे रहोगे, समझे? हाँ? आप लोग क्या कर रहे हैं? ये आप आयशा गुल को दे दीजिए ताकि वो ठीक से फैला दें। देखिए कपड़े फैलाने की जगह नहीं है, मॉम ने देख लिया तो। अरे नहीं नहीं, वैसे भी आयशा साहिबा के पास बहुत काम है। हाँ, अब वैसे भी इतने बड़े डंगर हैं, क्या अपना काम उनसे करवाएं? हाँ ये सही कह रहा है, और हमारे हाथ कौन से गंदे हो जाएंगे। ठीक है आप लोगों की मर्जी, मैं फिर भी कह रही हूँ मॉम को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। अच्छा वैसे क्या आप लोग अपने घर पर भी इसी तरह कपड़े फैलाते थे? अरे वाह नहीं, वहाँ तो नूर जहाँ बाजी है ना, बहुत ही ज्यादा अच्छी है वो, हमें किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देती। तो वो आप लोगों के साथ इस्तांबुल क्यों नहीं आई, वो कहाँ है? हाँ वो यहीं पर है, वहाँ उनकी नानी का घर है, वो थोड़ा सा आगे, मैंने देखा है उनका घर। वो कहाँ? असल में वो बहुत ही अच्छी हैं और इतना लजीज खाना बनाती हैं वो कि जवाब नहीं उनके खाने का। आपको भी वो बहुत अच्छी लगेंगी। आप जैसी है ना वो बिल्कुल। हाँ मुझे तो याद आया, मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था तो मैं जाके वो कर लेती हूँ। खुदा खुश रहो। खुदा हाफिज। आयशा गुल बहुत जरूरी काम है, कर सकती हैं? हाँ हाँ मैं कर दूंगी। समझ गई मैं कर दूंगी। एक दोस्त होने के नाते तो मेरा तुम पर फर्ज बनता है, तुमने जो भी फैसला लिया है मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। ओजान साहब, क्या आप हमसे मिलकर नहीं जाएंगे? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। आप भी अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ खास नहीं, कल आपने मुझे फायर किया था, जा रहा हूं। ओजान साहब कहां पर? सना मैडम सुनिएगा, जरा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट, आइए प्लीज इधर आओ, बात सुनो। सनम, उन्हें रजब मिल गया है। है? कहाँ पर है? तुम एक मिनट प्लीज मेरे साथ कमरे में आ जाओ, एक इम्पोर्टेंट बात बतानी है। लेकिन ओजान जा रहा है। छोड़ो उसे, मैं तुमसे कह रही हूँ वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। आओ इधर देखो, इस चढ़ाई ने तो मेरी जान ले ली। उफ, बस थोड़ा ही रास्ता रह गया है। इस्मत, हाँ? यहाँ आओ, मुझे बात करनी है तुमसे। ये बताओ, ये जो नूरजहां साहिबा की नानी अम्मा है, वो कितने साल की होंगी? पता नहीं, मेरे ख्याल से वो काफी ज्यादा बूढ़ी होंगी। अच्छा, अल्लाह उनको लंबी जिंदगी दे, आमीन। हिकमत तुम इधर आओ जरा, तुम्हें पता है ये लोग बेकौस में कहाँ रहते हैं? मेरे मामू की बेटी भी वहीं रहती है ना, इसलिए पूछ रही थी। साइड पर हटो, तुम्हें कोई मसल कर आगे निकल जाएगा। हाँ वो यहीं पर हैं, टर्मिनल पर खड़े होकर उल्टे हाथ पर देखेंगे तो तीसरी बिल्डिंग है। अरे मेरे मामू की बेटी भी तो वहीं रहती है,
फिर ऐसा करते हैं किसी दिन साथ चलते हैं हम लोग, क्या पता जानने वाले हो। चलो हम लोग पहुंच गए, जल्दी आओ। हाँ बिल्कुल। रुको। लगता है रजब साहब की आवाज ने किसी पर बहुत ज्यादा असर कर दिया है। रजब बहुत अच्छा गाना गाता है, देखो तो जरा इसकी वीडियो तक वायरल हो गई। बनाई और अपलोड भी कर दी, इसका मतलब कि वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है, मगर अब क्या होगा? मैंने सिक्योरिटी वालों को कॉल कर दी है, दुआ करो जहाँ ये गा रहा है वहीं मिल जाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह वो खैरियत से मिल जाएगा और हम उसे गांव भेज देंगे, मुझे उसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। भाई बहुत अच्छा बजाते हो आप। क्या तुम सच कह रहे हो मेरे दोस्त? हाँ भाई, तुम्हें सुन के दिल कांप जाता है। और ये भी देखो हमें कितने पैसे मिल गए हैं यहाँ पे। मेरे लिए कपड़े खरीदेंगे? हाँ हाँ, पहले तुम्हारा हुलिया तब्दील करेंगे और फिर तुम्हें दूसरी तरफ पोस्ट कर देंगे। पोस्ट करने से क्या मतलब है तुम्हारा? अरे मैं कोई सामान हूँ जो तुम मुझे पोस्ट करोगे? चलो तुम पैसे जमा करो फिर चलते हैं। मेरी जान, तुम्हारी ये जो आयशा गुलबाजी है ना, इन्हें कम मत समझो, ये पैदा ही जासूसी के लिए हुई है। इस कागज पर सब कुछ लिखा हुआ है, एड्रेस तुम लोगों को आराम से मिल जाएगा। परफेक्ट, कोई बात नहीं, एंजॉय करो। उठे सब, चले चले सब, सामान समेटे अपना। ठीक है बेटा, हम तो अपना सामान बांध कर बैठे हैं और बस की भी 3 घंटे बाद की टिकट ले ली है। हम तो गांव वापस जा रहे हैं अपने घर। मॉम, और आपका सामान कहाँ है? अरे मैंने सोचा पता नहीं क्या ऐसी बात हो गई है औजान बेटा। आपको अब तक समझ आ जाना चाहिए था कि क्या बात हो गई है मॉम। चलें। लगता है फिर बीपी शूट करने वाला है मेरा। नहीं होगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलें आप जल्दी। लेकिन भाई। औजान बेटा देखो मेरी बात सुनो, ये घर मैंने अपने हाथों से बनाया है, ऐसे थोड़ी निकल जाऊंगी मैं कि कोई मुझे बोले कि यहाँ से निकलो और मैं निकल पड़ूं। क्या समझ रखा है बेटा तुमने मुझे? एक बार फिर सोच लो, ये कैसा बेवकूफाना फैसला है तुम्हारा, मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। हाँ अरे मैं तो बोल बोल के थक गई, मेरा बीपी। मॉम इतनी सारी नेमतों के बीच जिंदगी गुजारना हर एक को नसीब नहीं होता, आज तक हम रहे हैं इसका शुक्रिया अदा करती जाइएगा, ठीक है? अरे कैसी बातें कर रहा है, अपनी माँ से क्या हो गया मेरे बच्चे को? आए मेरे अल्लाह, मदद मेरे अल्लाह। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, ये आपकी पेमेंट है और मैं नई जॉब के लिए रेफरेंस भी दे दूंगा, आप फिक्र मत कीजिए, जल्दी कुछ हो जाएगा। औजान साहब आपने भी हमारे लिए बहुत कुछ किया है, मगर हम क्या कर सकते हैं? हुसैन भाई हमें माफ कीजिएगा। माफ किया बेटा? चले भाई, किस चीज का इंतजार है आखिर, आ जाए, चले उठे। चलो दुल्हन, चलो जाओ, बच्चे बुला रहे हैं, हम भी चलें। भाई तुम पैसे रख लो, रास्ते में तुम्हें जरूरत पड़ सकती है। सुनो दोस्त, इस पैसे के आधे हकदार तुम भी हो, अल्लाह ने तुम्हें मेरी मदद करने के लिए भेजा है, तुम्हारा हक नहीं खाऊंगा, ले लो। तुम जैसा आदमी कभी नहीं देखा कसम से। कैसी बात कर रहे हो तुम, ये रख लो ना तुम। कहा सुना माफ करना, ये भी ले लो, सब माफ हो जाएगा मेरे दोस्त। यहाँ पर खुश आमदेद आयशा को। स्वीटहार्ट थैंक यू। स्वीटहार्ट ऐसी कौन सी जरूरी बात थी जो हमें इतनी जल्दी में यहाँ बुलाया? आई होप कोई बहुत अहम बात होगी। मैं बता रही हूँ, देखिए सीमा साहिबा, मैंने उसकी जासूसी की है और मुझे मालूम हो चुका है नाजली नामी लड़की कहाँ रहती है। तुम्हारी बात सुन रही हूँ मैं। आप इस वक्त कह रही हैं कि मेरी बात सुन रही हैं, लेकिन मैं आपको ये पहले साफ साफ बता दूँ, अब तो मेरे पास जॉब भी नहीं रही। ये क्या बोल रही हो तुम? मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो अलग कहानी है। बात तो असल ये है सीमा साहिबा कि अब मैं एक बेरोजगार इंसान हूँ, मुझे अपने पास जॉब दे दीजिए और ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी, आप बिल्कुल भी किसी से शेयर ना करिएगा। अगर ये बात किसी और को पता नहीं चलेगी तो ये आपके और मेरे लिए बेहतर होगा। अच्छा ठीक है, हम किसी को नहीं बताएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो फिर ये सुने, नाजली नूरजहां नामी एक लड़की के घर में रहती है, लो बता दिया। और अगर ये नाजली मिल गई तो रजब भी मिल जाएगा। बिल्कुल।
अरे ये माली क्या कर रहा है? हुसैन भाई, मैं अपने फूलों को अलविदा कह रहा हूं सनम साहिबा। ये गुलाब मैंने 20 साल पहले लगाए थे, हर साल इसमें एक ही रंग के फूल निकलते हैं। और हाँ, उस तरफ दूसरी किस्म के गुलाब है, जब ओजान साहब पैदा हुए थे तब मैंने लगाए थे। इनका बहुत ख्याल रखिएगा। क्या सब चले गए? कहाँ है? कहाँ चले गए ये लोग? फातिमा अम्मा का मतलब? नहीं नहीं, फातिमा साहिबा कहा है उन्होंने। फातिमा अम्मा? हाँ। क्या वाकई ओजान चला गया? क्या आलिया मैडम और जैनब भी चले गए? बेटा वो सब चले गए। बेटा देखो, हम तो देहाती लोग हैं, अखरोट का छिलका भी चबा जाते हैं। आज पहली बार लगा कि ओजान मेरा खून है। आज वाकई उसने वो छिलका चबाया और चला गया। बेटा तुमने उसे अच्छा सबक सिखाया। फातिमा साहिबा। अरे मेरी बेटी, माँ कहो ना मुझे माँ। फातिमा अम्मा, आप मेरे पास रह सकती हैं प्लीज, बाबा भी असल में यही चाहते हैं। शुक्रिया। कोई कहीं नहीं जा रहा है, सुन लिया? ओजान, आलिया मैडम, जैनब सब वापस आएंगे। चलो चलो, हम जा रहे हैं, जल्दी। हुसैन भाई जी, ये लोग कहाँ गए हैं पता है आपको? बताइए ना। ठीक है, ये कुछ तकिए और ब्लैंकेट्स हैं, अभी धुलकर आए हैं। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आलिया आंटी, ये सब साफ सुथरे हैं, फिक्र मत कीजिएगा। देखने में पुराने लगते हैं लेकिन बहुत कंफर्टेबल हैं, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा। ओजान जरा कुशन उठाना वहां से। ये वाकई बहुत कंफर्टेबल है। ये वाले कुशन भी मुझे दे दो। सही कह रहे हो, तो ये और बड़ा हो जाता है। सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, ये सुन सुनकर थक चुका हूं अब मैं। अब बस ये जबरदस्त हो गया। हाँ बस, अब यहाँ तकिया रखेंगे। मॉम चले, आप आराम कीजिए, मैं काम से जा रहा हूँ। हैं, तुम कहाँ जा रहे हो ओजान? तुम्हारे पास तो कोई जॉब वगैरह भी नहीं है। हाय मेरा बच्चा, पता नहीं कहाँ ठोकरें खाएगा, तुम तो बेरोजगार हो गए हो, है ना? हाय अल्लाह, मुझे बचाना। हंसो हंसो तुम लोग, हंसो मेरे बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। देख लिया ना तुमने, ओजान ने जो कुछ भी कहा था वो झूठ नहीं था, सच था। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ आ जाएगा, पहले हम मेहमत साहब के यहाँ तो चलें जरा। सुनो रजब यहाँ है, उधर देखो जरा। ठीक है सनम, रिलैक्स, तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। जी कहिए, क्या आप ढूंढ रहे हैं किसी को? मैं नाजली साहिबा को ढूंढ रहा था यहाँ पे। नाजली? हाँ।
नाजली आईजे मेरे गांव से। हम तो किसी नाजली को नहीं जानते हैं, आप शायद गलत जगह आ गए हैं। नहीं सब सही है, ये देखें यही पता है। पांच नंबर। हम मैं समझ गई, औजान एकिनसोए के ये रिश्तेदार हैं, शायद जो गांव से आए हैं ये उन्हीं में से हैं। अच्छा, इन साहब को ज्यादा इंतजार मत कराओ, चलो हम इनकी मदद कर देते हैं। हुसैन भाई। जी सनम साहिबा। हुसैन भाई, आप औजान साहब के रिश्तेदारों को जरा बुलाएंगे, शायद ये उनको ढूंढ रहे हैं। आइए आइए प्लीज, तशरीफ लाइए। शुक्रिया। अच्छा संभाल लिया तुमने, खुद को भी संभालो। देखिए सीमा साहिबा, ये कहा जाता है ना कि गांव वाले बड़े चलाक होते हैं, ये रजब भी गांव से चलाक आदमी आया है, मतलब ये मासूम तो दिखता है लेकिन है नहीं। मैं आपको कैसे समझाऊं, असल में ये मासूम नहीं, बहुत बड़ा चोर है। ऐसा ही है शुगल, तुम देखो तो जरा उसने किस किस को बेवकूफ नहीं बनाया। वैसे हद है, वो तो प्रोफेशनल्स को भी ना छोड़े, अजीब है। ओ या। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए ये भी एक तजुर्बा हो गया। सीरियसली यार, है ना, यहाँ से हम एक टैक्सी रोक लेते हैं, मेरे पाँव में तो छाले पड़ गए हैं। टैक्सी वाले भाई। अयो औजान, क्या मैं यहाँ सोऊंगी, मेरी तो कमर में दर्द हो जाएगा, मैं कैसे लेटूंगी यहाँ पर, मुझे शाटिका का पेन है बेटा। जैसे तमाम नॉर्मल लोग लेटते हैं आप भी वैसे ही लेटेंगी मॉम। मैं अपनी दोस्तों को ये सब कैसे बताऊंगी कि मैंने अपना घर छोड़ दिया है। जैनब प्लीज मुझसे ये सब बातें मत करो, सारी जिंदगी हमने ये सोच कर गुजार दी कि लोग क्या कहेंगे, मगर अब बहुत हो चुका, बहुत। आप हमारे साथ ये सब क्यों कर रहे हैं, इस सब में मेरा क्या कसूर है ये बताएं। जैनब देखो मेरी जान, मेरी बात सुनो, इस सब में हमें से किसी का कोई कसूर नहीं है, लेकिन तकदीर में लिखा हो तो क्या किया जा सकता है, समझी? जो मैंने तुमसे कहा था वो किया तुमने? कर लिया। ये रहा एड्रेस, नूरजहां कौन है पता नहीं। ये एड्रेस मुझे मैसेज कर दो। कर दिया है मैसेज, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ। सी यू गाइस लेटर। ठीक है, जा। टेक केयर। मॉम मुझे भी निकलना है, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़ के जा रहे हो, मैं क्या करूँगी? आप बच्ची तो नहीं है मॉम? नहीं, लेकिन मुझे अकेले डर लगता है, प्लीज। कैसा डर मॉम, आपने सारा बचपन गांव में गुजारा है, उसे याद कीजिए। हाँ, वो चीजें जहाँ गोबर की भू फैली होती थी। मेरे ख्याल से आपको इसकी आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इसके साथ गुजारा करना पड़ेगा, समझ गई मॉम? तुम कैसी बातें किए जा रहे हो, सुबह से नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मैं। बाबा हमें जहाँ छोड़ कर गए वहीं से शुरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग मुझे ये कहकर गाड़ी में बिठा लाए के यहाँ लाएंगे, मगर वो मुझे कहीं और ले गए, बहुत दूर, फिर उन लोगों ने मुझे लूट लिया। फातिमा अम्मा, बस मेरे पास ये साज रह गया था, शुक्र है। नाजली कहाँ है फातिमा अम्मा? रजब साहब, आपकी कहानी सुनकर अफसोस हुआ, लेकिन अभी हमें ऑफिस जाना है। मुझे यकीन है फातिमा साहब आपकी हर तरह की मदद करेंगी, ठीक है? क्यों नहीं, जरूर करूंगी, पहले मैं जरा बैठ के अपने बेटे से बातें तो कर लूं। मिलकर खुशी हुई। मुझे भी, एक दिन आप हमारे घर भी आइएगा। वैसे नाजली आप जैसे मददगार लोगों को बहुत पसंद करती है। शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। नाजली कहाँ है फातिमा अम्मा? रजब बेटा, मैं जो बात कर रही हूँ उससे तुम खुद को परेशान मत करना, हाँ, आखिर मैं भी तुम्हारी माँ हूँ ना, मौत और जिंदगी पर किसका इख्तियार है भला, जो एक बार आता है जाना। नहीं मत कहे फातिमा अम्मा, आप मुझे दफन कर दीजिए, मगर नाजली के लिए ये ना कहे, आप सब मेरी जान ले लें, मगर नाजली के लिए ये सब मत कहे, मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा फातिमा अम्मा। अरे भाई रजब सुनो तो, नाजली ठीक है, तुम्हारी नानी का इंतकाल हो गया। क्या? कब हुआ इंतकाल? रो मत मेरे भाई, उनकी मगफरत हो, बस दुआ करो। लेकिन लोग कह रहे थे कि वो 110 साल जी है माशाल्लाह। अरे मैंने तो अपने कानों से सुना है कि वो 117 साल की थी। जरा खामोश रहोगे तुम दोनों? मेरी नानी का इंतकाल हो गया, मेरी रूई जैसे चेहरे वाली नानी, अभी तो मुझे उनको उनके पोता पोती दिखाने दे।
कैसे मर सकती है मेरी नानी? अरे बेटा देखो, उनके लिए दुआ करो। नानी तो चली गई, लोग तो यही कहते हैं कि बस अल्लाह नौजवानी में मौत ना दे, है ना? हा? तुम पर अब क्या जिम्मेदारी है? तुम्हें गांव वापस जाना चाहिए ना, अपनी माँ के पास होना चाहिए अभी। बिल्कुल हाँ बिल्कुल, माँ को फोन कर लेता हूँ। हाँ जरूर करूँ, लेकिन उन्होंने तो मेरा फोन भी छीन लिया। दो, हाँ फोन दो, लो करो बात करो। माँ का नंबर मिला कर दो ना। मिलाओ, तुम नंबर मिला दो। नानी कैसे मर सकती है ऐसे? ये लो बेल जा रही है। लो। तुम तो खामोश रहो। माँ अल्लाह तुम्हें सब्र दे, नानी चली गई, अल्लाह उनकी मट्टी ताजी रखे। माँ आ रहा हूँ मैं, माँ क्यों नहीं आऊंगा मैं, माँ मैं खुद आकर अपनी रुई जैसी नानी को दफनाऊंगा, उन पर मट्टी डालूंगा। हाँ हाँ, क्या आपने उनको दफना दिया है? तो बस अल्लाह उन्हें जन्नत में जगा दे, मौत तो वैसे भी आनी है, आप परेशान ना हो। चले मैं रखता हूँ। फातिमा मामा, नानी को दफना दिया है, नाजली कहाँ है? बेटा देखो, हिकमत इस्मत तुम लोग ऐसा करो, रजब को अपने साथ ले जाओ, ठीक है? मेरे बेटे तुम माँ के पास जाओ, मैं नाजली को ढूंढ के तुम्हारे पास गांव ले आऊंगी। नहीं अभी जरूरत नहीं है। अरे बेटा तुम्हारी माँ है, चलो चलो। हाँ आ जाओ मेरी जान, मेरे अब भाई। अब मैं जाकर क्या करूँगा, उन्होंने तो दफना दिया है। दफना दिया है तो क्या हुआ, अपनी माँ के पास जाओ, जाओ। हाँ चलो जाओ लड़को, छोड़ आना इसे। मॉम आप कितने साल की हैं? अरे इस सारी सिचुएशन का मेरी उम्र से क्या ताल्लुक, क्यों साबित करना चाह रहे हो कि मैं बुढ़ी हो गई हूँ? सारी जिंदगी आपने कोई काम नहीं किया ना। तुम्हें लगता है ये सब हमेशा से मेरे पास था? मैं देखता हूँ। सनम साहिबा आइए। क्या हुआ, आप इतनी जल्दी ठीक हो गई? सना मैडम वेलकम, आइए देखिए ना मेरे बेटे ने अपनी माँ का क्या हाल कर दिया। ओजान साहब से अकेले में बात कर सकती हूँ? अरे ओजान उठो ना, देखो ये खुद चल कर आई हैं, थोड़ी शर्म करो, खड़े हो जाओ, बेवकूफ कहीं का। मॉम अंदर जाइए। ठीक है आइए आइए, आपको यहाँ देखना हकीकतन बहुत हैरान कुन है। फिर बार बार हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं। औजान साहब, औजान सुन रहा हूं मैं। मैं वो ठीक से समझा नहीं सकी अपनी बात को। मैंने बाहर से एजुकेशन हासिल की है, इस वजह से सारे रूल्स मुश्किल बना देती हूँ अपने। सनम साहिबा आप कहना क्या चाह रही हैं? सनम इस वक्त यहाँ बॉस और एम्प्लॉय बात नहीं कर रहे हैं। फिर कौन बात कर रहा है? दोस्त। ओ दोस्त, अच्छा। मैं आपसे सॉरी कहना चाहती हूँ। मैंने आपकी सॉरी कबूल की, कहिए अब क्या? इतना ही कहोगे क्या? मतलब मैं यहाँ आई हूँ, माफी मांग रही हूँ, चाहती हूँ वापस आ जाओ। देखिए मेरी दोस्त, मैं वापस नहीं आ सकता, मुझे अब कोई डर नहीं है घर से निकाल दिए जाने का, यहां तक के काम का भी। आप में जो ये अचानक चेंज आया है इसकी वजह जान सकती हूँ? कुछ अरसे पहले एक दोस्त ने कुछ कहा था मुझसे, इंसान जब खोने से डरने लगता है तो वो हर चीज खो देता है। मुझे अभी जाना है, कोई है जो मेरा इंतजार कर रहा है। महमत चलो मेरे भाई। कहाँ? बताता हूं, आपके आने का शुक्रिया।
अब ये सब क्या हुआ? मैं ठीक थी। क्या मतलब है? मैंने कहा था ना, वो पसंद करता है मुझे। तुम्हें? नाजली को, नाजली को। नाजली जीत गई। औजान पे मुश्किल आई तो वो नाजली की अहमियत समझ गया। इसने तो गांव जाने के लिए हामी भी भर लिया। हाय बेचारा। नाजली मेरी जान, तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? मुझे समझ नहीं आती है ये बात। वो नाजली के पास ही तो जा रहा है अभी। मैं तुम्हें एक बार फिर बता देती हूँ कि वो क्यों जा रहा है। देखो, हो सकता है कि उसे हमारे गेम के बारे में पता चल गया हो, यानी कि हो सकता है वो हमें ट्रैप कर रहा हो। अपने इमोशंस को काबू में रखो। ठीक है।